पंचकुला से सटे जनता कॉलोनी में वीरवार को चंडीगढ़ प्रशासन के अतिक्रमण दस्ते ने अवैध रूप से बनाए गए 34 पक्के निर्माण गिराए। यह अभियान लैंड एक्यूजेशन ऑफिसर तिलक राज की अगुवाई में चलाया गया। अभियान के तहत अतिक्रमण दस्ते को कॉलोनी वासियों द्वारा किसी तरह के विरोध प्रकट न हो इसलिए भारी पुलिस बल कॉलोनी में लगाया गया था। हालांकि दस्ते के काम में किसी भी कॉलोनी वासी ने अड़चन नहीं की। वो 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से इन पक्के ढांचों को गिराया गया। इस बीच यहाँ रहने वाले लोग अपने टूटे आशियानों में अपना सामान इकट्ठा करते नजर आए। जहां एक ओर लोगों में अपने आशियानों को टूटने का दर्द था, वहीं कॉलोनी के कुछ प्रधान लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा की। 22 अप्रैल 2005 को सुरेंद्र जी की अगुवाई में सोनिया जी से मिले थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, हमारा यूपीए का एजेंडा है बसाने का, उजाड़ने का नहीं। उसके बाद हमारा काम नहीं हुआ। फिर 10 सितंबर 2008 को हम प्रधानमंत्री जी से मिले सुरेंद्र जी की अगुवाई में, उनने भी यही बात कही। 5 अप्रैल 2010 को हम शिवराज पाटिल जी से मिले, जो यहाँ चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। उनने अफसरों से सवाल किया कि भाई ये मकान क्यों गिरा रहे हो, क्यों नोटिस दिया। उन्होंने कहा जी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं जो कि रजिस्ट्री गवर्नर साहब के सामने रख दी, उन्होंने देख कर बोला भाई ये तो इनकी अपनी जमीन है, इतने हाँ रजिस्ट्री इनकाल सब कुछ है, मीटर लगे हुए हैं बिजली के। और तो गवर्नर साहब ने साफ लफ्जा में ये कहा कि इन लोगों को आप पहले जगह कोई पॉलिसी बनाओ, इनको बसाओ, फिर उजाड़ो। मगर गवर्नर साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप हमारे को जगह बताइए, ओनली 1 हफ्ते के अंदर वो जगह सारी प्लान करके दूंगा। तो सर आप क्या मानते हैं कि ये धक्का सही है? ये धक्का सही है, हमारे को 2 दिन का टाइम भी नहीं दिया गया। वहीं 20 साल से कॉलोनी में रहने वाली परमजीत कौर ने बिना नोटिस दिए मकानों को गिराए जाने का आरोप प्रशासन पर लगाया। वहीं परमजीत ने घर में ताला लगा होने के चलते सारा सामान भी मलबे में दबने से नुकसान होने की बात कही। पढ़ाने के जा किराया देने के जा रहने के किराए थे, कहाँ जान के इतना सामान तुम्हें बताया भी नहीं, सारा थले नीचे दे के तोड़ दिया, ताले चाबियां हाडे को लिया, आपने बताया भी नहीं, टाइम दिता नहीं किसी ने, कैसे आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम बार बार इनको नोटिस दे चुके हैं। ना नोटिस कहने पे जरी नोटिस सन पता भी नहीं, आप बताया नहीं गया था कि ना कुछ ने बताया नहीं, अजय किसी ने बताया नहीं। मैं तो अभी असि सामान निकाल ना लेंदे, आपने बताया नहीं, बाहर गए कहीं ताला लगा सी, बाहर गए आपने सारा सामान नीचे ही आ गया, हुन कड्डांगे सारा सामान नीचे आके टूट गया, चाबी मेरे पास है, देखो मैंने एक कमरे का ताला खोलिया, आ देखो लॉक लगा है। किसी भी कॉलोनी में अतिक्रमण हो और वहाँ राजनीति ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। भाजपा पार्टी से एरिया पार्षद देशराज गुप्ता ने पार्टी की ओर से निंदा की। वहीं गुप्ता ने शहरी सांसद पवन बंसल व अधिकारियों को बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी इस अभियान को राजनीति से प्रेरित बताया। ऐसा है, मुझे अब सुबह कोई 9 बजे के आसपास पता लगा और पॉकेट नंबर 8 में ऐसे ऐसे ये कुछ लोग आए हुए हैं, सारी पुलिस वगैरह आई हुई है और सब तोड़ने की योजना है। तो मैंने अपने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, संजय टंडन जी को, उन्होंने डीसी साहब से बात की। डीसी साहब ने फिर तिलक राज जी यहाँ लो साथ में आए हैं, मतलब जो मेन ऑफिसर यहाँ के हैं, उनसे डीसी साहब ने बात की। उन्होंने कहा नाजायज़ नहीं करेंगे, और ये जायज़ थोड़ी है, सबके पास रजिस्ट्री हैं। और देखो कितना पुलिस छावनी है, सारा इंदिरा कॉलोनी बन गया है, और कितने लोग, और हर तरह का क्या घुड़सवार सेना है, क्या वाटर कैनन है, क्या डंडे हैं, हर तरह के मतलब इंतजाम करके ये लोग आए हुए हैं ताकि पब्लिक पे डंडे बरसाएं। और एस्टेट ऑफिस के लैंड एक्यूजेशन ऑफिसर तिलक राज ने लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई 2 से 3 एकड़ भूमि को खाली करवाकर उसे नगर निगम को सौंपने की बात कही। ये ऑलरेडी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्वायर की हुई है ये लैंड, और ये 2003 में एक्वायर की थी, तो ये अनऑथोराइजली इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं और इसलिए आज इनको हटाया जा रहा है ताकि इसका पोजेशन लिया जा सके। कितने सर ऐसे मकान ये 30-35 के करीब स्ट्रक्चर हैं। कुछ मकान जो बीच में छोड़े गए हैं, किस तरह का स्टे वगैरह है? हाँ, जो मकान छोड़े हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके ऊपर, तो इसलिए उनको छोड़ा गया। अनऑथोराइज जगह की अभी बात की, बैठने की बात की है, तो इनका कहना है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन है यहाँ। देखिए जब 2003 में जगह एक्वायर होगी तो उससे पहले की कोई रजिस्ट्री है तो वो अपने आप ही, जब जगह ही एक्वायर हो गई है तो उस रजिस्ट्री कोई मायने नहीं होते, उसके लिए कंपनसेशन है, लोगों ने कंपनसेशन अपना उठा लिया है, और जो 2-4% नहीं उठाया वो हमसे ऑफिस में आके अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2003 में भी प्रशासन की ओर से 54 एकड़ भूमि पर से अवैध निर्माण हटाया गया था जो अब नगर निगम के पास है। वहीं वीरवार को खाली करवाई गई भूमि को भी प्रशासन नगर निगम को सौंप देगा
और खाली करवाई गई भूमि पर निगम क्या बनवाता है यह फैसला भी नगर निगम ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।